गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूं नेहा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक हेयर स्प्रे जो कि मैंने घर पे बनाया है एंड दैट इज अ वेरी बेनिफिशियल हेयर स्प्रे। तो उसको लगाना कैसे है, बनाना कैसे है, वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपके हेयर पर ये काम करने वाला है निश्चित, क्योंकि ये मैंने ट्राई करके देखा है खुद से तब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। इसके अलावा आई एम वर्किंग ऑन माई हेयर, ड्यू टू कोविड मेरे बाल खराब हो गए थे तो मैं हेयर कट करा लिया था, दैट इज वाई अब। लेकिन मुझे ना थोड़े लंबे बाल अच्छे लगते हैं, लॉन्ग हेयर्स अच्छे लगते हैं, लाइक अब मैं अपने बालों की लेंथ थोड़ी बढ़ाना चाहती हूँ तो दैट इज वाई आई एम वर्किंग ऑन इट। तो हेयर लेंथ, मैं अपने हेयर लेंथ की बढ़ाने वाली एक्सरसाइज में जो भी चीजें यूज करूंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ प्रोडक्ट्स जो है मैं मार्केट बेस्ड यूज करूंगी और 90% जो प्रोडक्ट है वो मैं होम मेड यूज करने वाली हूँ, तो मैं वो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। क्या उनके बेनिफिट्स होते हैं, कैसे यूज करना होता है और कैसे बनाना होता है, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई हेयर। बिकॉज आप देख सकते हैं अभी मेरे बाल काफी छोटे हैं, तो ये जो DIY स्प्रे है दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेयर। इसको बनाकर जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके बालों पे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस हेयर स्प्रे को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा राइस। राइस एज यू नो कि बहुत बेनिफिशियल होता है बालों के लिए बिकॉज इट हैज दैट प्रॉपर्टी, उसके अंदर प्रोटीन होते हैं और कई सारे कैरेटिन ट्रीटमेंट में वो यूज किया जाता है। एज यू कैन सी आजकल राइस वाटर शैम्पू भी आने लगे हैं, तो और राइस अपनी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने राइस से हेयर स्प्रे बनाया जो कि मैं हर हेड वॉश के पहले यूज कर सकती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 1 टेबल स्पून के करीब राइस लेंगे। इसके बाद हम लोग मेथी लेंगे। मेथी एज यू नो कि मेथी बहुत बेनिफिशियल होती है बालों के लिए। मैं इसको मेहंदी में भी डालती हूँ, मैं इसको अपने किसी भी हेयर मास्क में जो कर्ड के साथ बनता है उसमें ऐड करती हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं मेथी के। आप मेथी का ऑयल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू। थर्ड इंग्रेडिएंट है वो आपको चाहिए ऑरेंज पील। जैसे हम ऑरेंज खाते हैं ना, तो उसका पील निकाल के हम लोग रख लो और फिर उसके बाद उसको यूज करना है आपको। और फोर्थ इंग्रेडिएंट हमारा आता है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल के बारे में मैं क्या बताऊं, आप सब लोग जानते हैं कि एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो स्किन के लिए हो और चाहे वो हेयर्स के लिए हो। तो एज यू कैन सी इन द वीडियो सारे इंग्रेडिएंट आपको इसमें डाल देने हैं। हेयर वॉश बनेगा लगभग 200 ml बन रहा है, तो लगभग 200 ml के करीब बनेगा, तो इतना ही मैं अभी बना रही हूँ। लेटर ऑन जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं और बनाऊंगी बिकॉज इट इज वेरी गुड। इसमें इतने सारे बेनिफिट्स हैं, विटामिन सी है, राइस वाटर प्रोटीन है, मेथी के बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा एलोवेरा है, एलोवेरा का हाइड्रेशन, एलोवेरा के सारे बेनिफिट्स इसमें हैं। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। जिस भी बॉटल में आपने ये सारे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे उस बॉटल को फुल कर दीजिए और भर के रख दीजिए। मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि इतने इंग्रेडिएंट डाल के आप बाल्टी भर पानी रख दो, नहीं, 200 ml टू 250 ml वाटर आप इसमें डाल सकते हैं और इसको 24 आवर आप रखिए। आप ओवरनाइट रख के भी इसको यूज कर सकते हैं, बट मैंने इसको 24 आवर रखने के बाद इसको स्ट्रेन करने के बाद एक स्प्रे बॉटल में इसको डाल के फिर मैंने यूज किया था। तो दैट इज अ गुड वे कि आप स्प्रे बॉटल में ही इसको डाल के यूज करो, तब तो वो आपके बालों के हर एरिया को कवर करेगा। और अगर आप ऐसे ही डालोगे ना तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा भी यूज होगा और इसके अलावा जल्दी खत्म भी होगा, तो इसीलिए हेयर स्प्रे से अगर आप यूज करोगे और आपके हेड में अच्छे से वो स्प्रेड होगा, अच्छे से लगेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है, आपको टिप्स पर, लेंथ पर, हर जगह लगाना है, कहीं पर भी आपको छोड़ना नहीं है, हर जगह लगाइए। 30 मिनट इसको रखिए, उसके बाद आप हेड वॉश कर लीजिए शैम्पू से, आंवला रीठा शिकाकाई से, जिससे आप वॉश करते हो आप उससे वॉश कर लीजिए और आप देखिए रिजल्ट्स क्या होते हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, फर्स्ट यूज में ही आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते हैं तो आपको रिजल्ट्स हेयर वॉश के बाद बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। आई एम श्योर अबाउट इट बिकॉज मैंने यूज किया है और मुझे लगता है कि मार्केट बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं ना उसमें केमिकल्स होते हैं जो कि आपके बालों को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी स्पेशली फॉर द हेयर्स, नेवर यूज मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट। यूज करती हूँ बट नॉट वेरी ऑफन, मैं इनको यूज करने में बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं करती हूँ,
और जो होम इंग्रेडिएंट होते हैं, जो होम मेड इंग्रेडिएंट होते हैं, आप इनको हफ्ते में जितने बार भी हैंड वॉश करेंगे आप उतने बार यूज़ कर सकते हैं, कभी नुकसान नहीं करेंगे, साइड इफेक्ट्स नहीं देते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइस ऑन हेयर स्प्रे, आई होप यू लाइक इट, आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, जिससे आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं रेगुलरली इस तरीके के वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इट मीन्स really a lot for me. Please, please, please subscribe to my channel. Bye-bye.